नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आओ लिखें पर। आज हम होली पर निबंध लिखेंगे, तो आओ लिखें। प्रस्तावना। त्योहार लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं। त्योहार लोगों में प्रेम व भाईचारे के भाव को बढ़ाते हैं और हमें हमारी संस्कृति से जोड़े रखते हैं। भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक होली का त्यौहार है, जो कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह रंगों का त्यौहार है, जिसे हिंदू धर्म के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दौरान प्रकृति और वातावरण बहुत सुंदर और रंगीन हो जाता है। होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था, जिसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। अपने इसी घमंड के कारण वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा तथा उसने अपने राज्य में भगवान के नाम पर तक पाबंदी लगा दी और स्वयं की पूजा करवाने लगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति को समाप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक कठोर दंड दिए, परंतु वह प्रहलाद की ईश्वर भक्ति को समाप्त न कर सका। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग से भस्म न होने का वरदान प्राप्त था, इसीलिए प्रहलाद को समाप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन का उपयोग किया। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि तुम प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाओ। ऐसा करने से होलिका तो भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ ना हुआ। तभी से हिंदू धर्म के लोग बुराई के खिलाफ अच्छाई की विजय के रूप में हर साल होली का त्योहार मनाते हैं। होली कैसे मनाते हैं? होली रंगों का त्यौहार है, जिसे सभी लोग बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। होली खेलने के लिए लोग अलग अलग तरह के रंगों का उपयोग करते हैं। पहले लोग प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे, जिससे किसी पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन अब हम जिन रंगों का प्रयोग करते हैं, उनमें से अधिकतर केमिकल युक्त रंग होते हैं। इन रंगों का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए और किसी को भी जबरदस्ती रंग नहीं लगाना चाहिए। गुलाल व प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करना चाहिए। होली प्रेम व भाईचारे का त्यौहार है, इसलिए हमें इसे ऐसे मनाना चाहिए जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। इस दिन लोग आपसी ईर्ष्या को भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़कर अपना मनोरंजन करते हैं। पूरा वातावरण होली का रंग खेलकर एक सा बन जाता है। रंग खेलने के बाद दोपहर में नहाने के बाद लोग नए कपड़े पहनकर सबसे मिलने जाते हैं। होली के दिन घरों में खीर, पुए, पूड़ी आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। होली पर अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जिसमें गुजिया का सबसे प्रमुख स्थान होता है। होलिका दहन। होली का त्यौहार फाल्गुन माह के अंतिम दिन होलिका दहन की शाम से आरंभ होता है। सभी लोग शाम को एक जगह इकट्ठा होकर लकड़ी, घास और गोबर के उपले को जलाकर होलिका दहन के रिवाज को संपन्न करते हैं। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियों को भुना जाता है। इसमें महिलाएं रीति से संबंधित गीत भी गाती हैं। इस दिन लोग बहुत ही खुश होते हैं और होली खेलने के लिए अगली सुबह का इंतजार करते हैं। होलिका का दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराइयों पर अच्छाई की विजय का सूचक है। होली का महत्व। होली के त्यौहार का हिंदुओं में बहुत महत्व है। होली प्रेम व आपसी भाईचारे का त्यौहार है। इस त्यौहार में दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। अमीर, गरीब, क्षेत्र, जाति, धर्म का कोई भेद नहीं रहता है। इस दिन सभी लोग नाराजगी, ईर्ष्या, नफरत आदि को भुलाकर
एक दूसरे से प्रेम से गले मिलते हैं। दूर रहने वाले दोस्त भी इसी बहाने मिल जाते हैं। लोग इस दिन एक दूसरे को रंग लगाकर आपसी कटुता को भूल जाते हैं और प्रेम से होली का त्यौहार मनाते हैं। निष्कर्ष: रंगों का त्यौहार होली पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मनाया जाता है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक, कार्यालय और दूसरे सभी संस्थान बंद रहते हैं, ताकि सभी लोग अपने परिवार के साथ इस त्यौहार का आनंद उठा सकें। यह त्यौहार समस्त बुराइयों का नाश करता है और लोगों में प्रेम व भाईचारे के भाव को बढ़ाता है। होली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।